वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलाके में तकरीबन डेढ़ महीने से जाम की भारी समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए खुशखबरी। जनक सेतु फ्लाईओवर को कल यानी कि 11 मार्च को आम जनता और ट्रैफिक के लिए एक बार फिर से खोल दिया जाएगा। दरअसल जनक सेतु फ्लाईओवर की एक साइड को दो जगह की बीम की मरम्मत और रिपेयर के लिए तकरीबन 1 फरवरी से 3 हफ्ते की मरम्मत के लिए एडवाइजरी जारी कर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बंद कर दिया था, लेकिन इसकी मरम्मत को लेकर तकरीबन 37 से 40 दिन का समय अभी लग चुका है, जो कि मरम्मत के अंदर समय से ज़्यादा सीमा लगी है। इस पर बात करते हुए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बताया कि बीम का काम, मरम्मत का काम, जो कि समय सीमा 21 दिन 3 हफ्ते के अंदर पूरा कर लिया गया था, लेकिन जो सीमेंट है, जो ये पिलर को जो रिपेयर किया था, मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं, जो पिलर को रिपेयर किया था, इसको रिपेयर करने में जो सीमेंट लगा था उसको सूखने में, जो इसकी कंक्रीट है उस कंक्रीट को फिक्स होने के अंदर कुछ समय ज़्यादा लग गया, जिसके कारण ये समय ज़्यादा लग गया। इससे पहले इस फ्लाईओवर को खोलने की तारीख 8 मार्च रखी थी, लेकिन अब कल से आम जनता के लिए ये खोल दिया जाएगा। हम आपको बता दें, इस फ्लाईओवर का जो इस्तेमाल है वो धोला कुआं से तिलक नगर जनकपुरी की तरफ आने वाले यात्री, आने वाले ट्रैफिक का किया जाता है, लेकिन 3 हफ्ते जब ये फ्लाईओवर को बंद किया गया तब इस रूट को, जो धोला कुआं से रूट आता था, उसको लाजवंती गार्डन से पहले दिल्ली कैंट की तरफ से मोड़ दिया गया था। जो भी ट्रैफिक था वो दिल्ली कैंट या नारायणा की तरफ घूमता हुआ आगे जाता था। फिलहाल इसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई कई घंटे जाम शाम के समय यहाँ पर लग जाता था, क्योंकि यही एक रास्ता है जो कि धोला कुआं से दिल्ली कैंट से होता हुआ जनकपुरी तिलक नगर के रास्ते आगे इस जनक सेतु फ्लाईओवर से जाया जाता है। फिलहाल अब जनता के लिए कल सवेरे से ये फ्लाईओवर दोबारा पुनः खोल दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो इस फ्लाईओवर का जो दूसरा पार्ट है, वो पार्ट है जनकपुरी तिलक नगर की तरफ से धोला कुआं दिल्ली कैंट की तरफ जाने वाले ट्रैफिक का, जो कि एक तरफ ट्रैफिक होने के कारण वहाँ से ट्रैफिक का लोड इस कदर बढ़ जाता है कि रात के समय और ख़ासकर शाम 4 से 6 बजे के करीब तकरीबन लोगों को कई घंटों इस जाम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो जाम की समस्या से जूझ रहे पश्चिमा जिले के जो लोग हैं, तकरीबन 1.5 महीने से इस जाम की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अब उनकी परेशानी का अंत कल सुबह फिलहाल हो चुका है। कल से ये आम जनता के लिए और आम ट्रैफिक के लिए रेगुलर बेस के ऊपर जैसे पहले चलता था, वैसे यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। जो एडवाइजरी कमेटी ने जगह जगह बोर्ड लगाए हैं कि ट्रैफिक को घुमाने के लिए दिल्ली कैंट और नारायणा को, वो हटा दिए जाएंगे। जो जाम की समस्या थी उससे अब निजात आने वाले समय में कल सुबह से मिल जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ मैं लवली बख्शी, दिल्ली तक।